हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका अपना गौतम सोलंकी। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूं स्टेयर के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से मैंने पहले बताया था आपको कि जो हमारे स्टेप होते हैं, राइजर होता है, और जिसको हम ट्रेड कहते हैं, ये किस तरीके से जो जीने का हिसाब लगाया जाता है। दोस्तों मैंने एक देसी तरीका बताया था, सिंपल तरीका, जैसे कि हम ऐसे राइजर, ये हमारा राइजर ले लिया हमने और ये ट्रेड ले लिया, ऐसे किसी भी चीज से निशान लगाते लगाते दोस्तों हम इस तरीके से हम जीने के निशान लगा लेते थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इन चीज में होता है दोस्तों वो कैसे करें। तो दोस्तों जो हमने पहले वीडियो डाली थी, आपने उसको बहुत लाइक किया, सपोर्ट किया, और हमारी वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट भी आए दोस्तों। और तो अब हमारा यही मकसद है कि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और दिखाने के लिए दोस्तों। तो आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों स्टेयर के बारे में, पूरी कंप्लीट देता हूँ कि कितने इंच में कितनी पैड़ी निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी ऊंचाई नाप लेनी है। जैसे कि जो हमारे यहाँ से लेके जो हमारी ऊंचाई है, इसको नाप लेनी है दोस्तों हाइट। जैसे अब मैंने ले ली इसकी हाइट 10 फिट। अब मैंने इसकी हाइट है जो 10 फिट ले ली है। तो दोस्तों अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि 10 फिट की हाइट में कितनी पैड़ी चढ़ेंगी, तो मैं अभी आपको बताता हूं 10 फीट की हाइट में कितनी पैड़ी चढ़ने वाली है। अब जैसे कि हमने 10 फीट ले लिया है दोस्तों, अब हमें इस 10 से 12 को गुना कर देना है। अगर आप 10 से 12 को गुना करोगे दोस्तों तो अब हमारे इंच निकल के आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक फीट में 12 इंच होते हैं। यह चीज ध्यान रखिएगा, जो ये हमारा 12 है और ये इंच वाला, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। आपको कितनी भी हाइट होगी उससे 12 से गुना करना है, 10, 11, 12, 13 जितनी भी आपकी हाइट होगी आपको इससे गुना करना है। तो हमारे 120 इंच निकल के आ जाएंगे दोस्तों। तो अब 120 इंच से दोस्तों अभी हमें पता लग गया है कि हमारे 120 इंच की ये जगह है दोस्तों, ठीक है, जो हमारी हाइट है ये 120 इंच है। तो दोस्तों अब हमें राइजर का तो पता लग गया है, अब हमें ट्रेड का कैसे पता लगाएं कि हमें पता चले कि अब हमारे कितने स्टेप आएंगे दोस्तों और हमारा कितने इंची का ट्रेड होना चाहिए। तो मैं बताता हूं आपको, ट्रेड जो होता है हमारा कम से कम मिनिमम मैक्सिमम साइज होता है हमारा 10 साइज। इससे कम अगर आप ट्रेड बनाओगे तो जो आपका पैर है इस पर पूरा नहीं टिकेगा और गिरने का खतरा हमेशा रहेगा। तो इससे कम आपको कभी भी पैर नहीं बनाने हैं, ट्रेड नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमारे को गिरने का बहुत ज्यादा खतरा रहेगा इससे, ठीक है दोस्तों। अब हमने ये वाली हाइट तो नापी ली है, अब हम जो इसकी लंबाई है दोस्तों इसका अनुमान लगा लेंगे कि कितने इंचीज में जो हमारा ये आया है कितनी जगह घेरेगा और कितनी इंच जगह घेरेगा कि वहां से हमारा जीना ऊपर चला जाए। अब ये हमारा 120 इंच से दोस्तों, अब जैसे कि हमने 10 लिया था, जरूरी नहीं है आप 10 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो। अगर जैसे आपके पास जगह फालतू है, आपका बड़ा घर है तो आप ज्यादा भी जगह ले सकते हो, 10 से 11 भी ले सकते हो, आप 12 भी ले सकते हो। इससे ज्यादा पैड़ी अच्छी नहीं होती दोस्तों, इतनी ही होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा पैड़ी नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। तो अब ये हमारा, अब हमें इसको 120 दोस्तों, जो 120 था दोस्तों इसको हमने 6 से पहले भाग देना है। अब हमें 120 को, जैसे कि हमने जो राइजर था, अभी आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी हाइट वो लेनी है राइजर से, मतलब जो हमारा राइजर है इसकी कितनी हाइट लेनी है आपको, 6 इंची या 7 इंची या 8 इंची। मैं अभी आपको 6 इंची में समझा देता हूं और 8 इंची में ही बता देता हूं मैं दोस्तों। अगर आप इसको भाग दोगे इससे तो हमारा 20 पैड़ी बन जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इससे भाग देंगे इसको तो हमारी 16 पैड़ी बनेंगी, ठीक है दोस्तों। अगर हम 8 इंची से भाग देंगे तो हमारी 16 पैड़ी आएंगी, अगर हम राइजर 8 इंची का लेते हैं तो, और हम 6 इंची से भाग देंगे तो हमारी 20 पैड़ी आएंगी ये, ठीक है दोस्तों। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, ट्रेड अब कैसे ट्रेड निकालें इसकी, कि हमें पता तो लग गया 20 पैड़ी आ गई हमारी ये,
अब ये हमारी जो ये हाइट है दोस्त, ये है 20 पैड़ी हो गई है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, 20 गुना 10, ये दोस्तों हमारी हाइट की जो हाइट है, अब इसको पता लग गया हमारे 20 चाहिए हमें, 20 है हमारी, और जो हमारी ये राइजर है और ट्रेड है दोस्तों, ये 10 इंच का है। तो हमें 20 को और 10 को गुना कर देंगे तो हमारा 200 इंच आ जाएगा दोस्तों। अभी हमारा 200 इंच आ गया। तो जो हमारी ये लंबाई है दोस्तों, यहां से यहां तक का, कि हमारी 200 इंच की जगह चाहिए दोस्तों। और जो हमारी ये थी दोस्तों, ये हमारी 120। अब क्या करना है हमको, पूरा आपको पता लग गया है कि कभी भी अगर आप बना रहे हो तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करके यहां से अब हमें चाहिए 200। और दोस्तों जो पहला स्टेप होता है हमारा, इसको आप हमेशा, जैसे आप 8 इंची का बना रहे हो तो 1 फुट का लेके चलना है, क्यों, 4 इंची हमारा फर्श के अंदर आ जाता है। इस चीज का दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे जो फर्श है उसके अंदर ये बिल्कुल 4 इंची हमारा पहला स्टेप लेके चलना ज्यादा, क्योंकि जब आप बनाओगे ना तो ये 4 इंची आपका फर्श के अंदर दब जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये हमारा 200 इंच आ गया है यहां से, कितनी फुट हाइट में, 10 फीट की हाइट में, ये 10 फीट की हाइट में 120 इंच बन गए थे हमारे, और 20 स्टेप बन गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इसकी 108 इंची की पैड़ी में कितनी पैड़ी आएंगी, ठीक है दोस्तों, ये 16 हो गई हमारी। अब तो 16 गुना 10 कर दोगे तो दोस्तों 160 आ जाएगा। तो अगर आप 8 की पैड़ी लोगे तो यहां से 160 इंच चाहिएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।